Hi friends, welcome to the desk, देवा English Spoken Class. Friends, एक बार मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि he is gone and he has gone. दोनों में से सही कौन सा है? तो मैंने आपको उसके बारे में विस्तार से बताया था कि दोनों चीज क्या है. आज भी कुछ वैसा ही है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. आई हैव गोन, आई एम गोन. आपने सुना तो जरूर होगा कि आई एम गोन भी बोला जाता है, बट इसका मतलब क्या होता है शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा. आई हैव गोन, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज द टेंस फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें V3 लगा है. आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ. ओके फ्रेंड्स, बट आई एम गोन का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, I have gone, I am gone, I have done, I am done, he is gone and he has gone. इसका मतलब क्या होता है आज मैं क्लियर करने वाला हूं. काफी लोगों को गलत फहमी है कि I am gone का मतलब हो जाता है कि मैं पूरी तरह से चला गया हूं, मतलब पहुंच चुका हूं. I have gone बोलते हैं कोई तो मैं गया हूं, जैसे he has gone, वो चला गया है. और ही इज गोन, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ही इज गोन मतलब जहां पर वो गया वहां पर पहुंच गया हूं, पूरी तरह से चला गया है, ऐसा बोलते हैं लोग. लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ही इज गोन इज द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही हैज गोन. जैसे ही इज गोन, ही हैज गोन एंड ही इज गोन मीन्स ही इज गोन बोलते बोलते ऐसा लोग बोलने लगे और इसका मतलब भी वही और निकालने लगे जो इसका मतलब होता है. बट ये क्या है सच, दरअसल में ये सही चीज ये है. ही इज गोन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही हैज गोन इज द ही इज गोन. बट आज जो है वो जरा अलग है, थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग भी है. देखो, आई हैव गोन, मैं चला गया हूं या मैं गया हूं. आई एम गोन, इसका मतलब होता है मैं तो गया. अब मैं तो गया, आपने काफी बार ये सेंटेंस इस्तेमाल किया होगा कि मैं तो गया, मतलब मैं तो गया, मतलब कहाँ, पटना गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, ये सब नहीं, कहीं जाने की बात नहीं की जा रही है, बस मैं तो गया. बोलते ना क्या हुआ, अरे यार मैं तो गया, मतलब कुछ काम बिगड़ गया उसका. तो कोई काम बिगड़ जाता है तो हम बोलते हैं मैं तो गया, वो तो गया, तुम तो गए बेटे, बोलते हैं ना तुम तो गए, यू आर गोन. तो वैसे में हम आई एम गोन, यू आर गोन, ही इज गोन का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनकी ये भाषा है इंग्लिश भाषा, वो लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब यही होता है, इसलिए हमें भी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसमें हम कोई तर्क नहीं कर सकते. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा है, आई हैव डन एंड आई एम डन. आई हैव डन का मतलब मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूँ. दिस इज द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव डन मतलब मैं कर चुका हूँ या मैंने कर लिया है. बट आई एम डन, आई एम डन का मतलब क्या? आई एम डन का मतलब मेरा तो हो गया. आई हैव डन मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूं. आई एम डन मतलब मेरा तो हो गया. अब जैसे बोलते हैं ना, किसी को हम कुछ खिला रहे होते हैं और उसको पूछते हैं कि और ले ले, और चाहिए क्या, तो बोलता है नहीं मेरा तो हो गया. तो वहां पर मेरा तो हो गया के लिए हम आई एम डन बोलते हैं. या हम कुछ काम कर रहे होते और लिखते लिखते हम उठ जाते हैं, बोलते हैं कि और नहीं पड़ेगा क्या, अरे मेरा तो हो गया, मतलब मैं जो कर रहा था वो मेरा हो गया, आई एम डन. ठीक है ना फ्रेंड्स, हम कुछ खा रहे होते हैं और कोई पूछता है कि एक रोटी और ले ले, बोलते नहीं नहीं मेरा हो गया. मेरा हो गया का मतलब ही होता है आई एम डन. ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से ही इज गोन और ही हैज गोन में भी फर्क होता है. ही हैज गोन का मतलब होता है वह जा चुका है या वह गया है, और ही इज गोन का मतलब होता है वो तो गया. आपने कमेंट्री मैच, क्रिकेट मैच की कमेंट्री या किसी भी कमेंट्री सुनते हुए आपने ये चीज सुना होगा, कभी कभी कोई आउट होता है तो कमेंटेटर बोलता है ही इज गोन, चिल्ला कर बोलता है कि ही इज गोन, मतलब वो तो गया. अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टेडियम से निकल के बाहर चला गया, उसका मतलब ये होता है कि वो तो गया, मतलब वो आउट हो गया. इसी तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आज का टॉपिक आपको. तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगा
कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।